इमरजेंसी पहले इंडिया में 3 बार लगाई गई थी, एक इंडो चाइना वार 1962 में और एक इंडो पाक वार 1971 में, और एक बार 1975 में भी लगाई गई थी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के रूल में। पहले जान लेते हैं इमरजेंसी का मतलब क्या है। इमरजेंसी मतलब एक सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया जाता है। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है, इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। मतलब गवर्नमेंट कोई भी एक्शन ले सकती और सिटीजन्स को कोई राइट नहीं रहता कि प्रोटेस्ट करने का और कुछ भी बोलने का, और मीडिया पब्लिकेशंस के पास में कोई भी अथॉरिटी नहीं रहती कि उसको पब्लिश कर सके, पब्लिक को बता सके कि क्या हो रहा है। मतलब गवर्नमेंट जो बोली वो कर सकती, एक लाइक डिक्टेटरशिप समझ लो आप लोग, डिक्टेटरशिप के हिसाब में रहती है इमरजेंसी। मतलब ज़्यादातर तो ये वार्स के वक्त में लगाई जाती, जैसे कि इंडो चाइना वार हुआ था इंडिया में और पाकिस्तान का वार हुआ था जब लगाई गई थी, एंड थर्ड टाइम इंदिरा गांधी के रूल में लगाई गई। अब सवाल आता है कि 1975 में ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई थी कि मिस इंदिरा गांधी को इमरजेंसी लगानी पड़ी इंडिया में। रीज़न नंबर वन, 1971 में जो इंडिया और पाकिस्तान का वार हुआ था उसकी वजह से GDP ग्रोथ बहुत डाउन हो गई थी इंडिया की। LD इंजीनियरिंग कॉलेज अहमदाबाद के जो स्टूडेंट्स थे वो प्रोटेस्ट करने लगे थे अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर, और जो बढ़ते जो रेट्स है जो कैंटीन के उनके जो उनके कैंटीन के जो कॉमोडिटीज़ है उसके जो रेट्स बढ़ गए थे, और अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट स्टूडेंट्स की तरफ से आना शुरू हो गया था। 1974 में मॉनसून बहुत ज़्यादा वीक था तो फसल कुछ अच्छी नहीं हुई थी इंडिया में, तो उसकी वजह से भी रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। लोग बेरोजगारी भुखमरी से मर रहे थे, अनएम्प्लॉयमेंट, कुछ काम नहीं था लोगों के पास में। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन की तरफ से पूरा ऑल इंडिया रेलवेज पूरा स्ट्राइक घोषित कर दिया था, पूरी तरीके से पूरा रेलवेज बंद कर दिए गए थे। बट ये सब रीजंस का हल भी निकाला जा सकता था। अब आते हैं सबसे मेन रीज़न की तरफ, जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये पूरी हिस्ट्री में। सोशल एक्टिविस्ट जनता पार्टी के जयप्रकाश नारायण, जो JP नारायण हैं, उन्होंने इंदिरा गांधी के साथ में इलेक्शन लड़े थे रायबरेली से, और उसमें मिस इंदिरा गांधी की जीत होती है रायबरेली से। जयप्रकाश नारायण मिस इंदिरा गांधी से इलेक्शन हारने के बाद में उन पे केस फाइल करते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में लेके जाके। केस ये था कि मिसयूज ऑफ द स्टेट मशीनरी, ब्राइब और इलेक्शन फ्रॉड। ये केस लेके जाके इलाहाबाद हाई कोर्ट में जयप्रकाश नारायण मिस इंदिरा गांधी, जो जबकि प्राइम मिनिस्टर थी प्रेजेंट, उनके खिलाफ ये केस इलाहाबाद हाई कोर्ट में फाइल करते, और इलाहाबाद हाई कोर्ट इसको एक्सेप्ट भी कर लेता ये केस को, और इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आता है, मिस गांधी को गिल्टी करार दिया जाता है। मिस गांधी 6 ईयर्स तक इलेक्शन नहीं लड़ सकते बोल के ये कहकर इलाहाबाद कोर्ट का फैसला आता है। मिस इंदिरा गांधी ये फैसला लेकर सुप्रीम कोर्ट को जाती है। June 24, 1975 सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला होल्ड पर रखकर मिस गांधी को पार्लियामेंट्री सेशंस जो थे वो अटेंड करने की इजाज़त देता है। ऑन द नेक्स्ट डे June 25, 1975 को सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, मतलब दूसरे दिन सुबह में, और उसी दिन जयप्रकाश नारायण ने एक रैली ऑर्गेनाइज की थी दिल्ली जंतर मंतर पे मिस इंदिरा गांधी के खिलाफ। ये रैली का ये मकसद था कि उनका रेजिग्नेशन, तो जंतर मंतर पे बहुत बड़ी रैली ऑर्गेनाइज करे थे जयप्रकाश नारायण ऑन द सेम डे जो सुबह में फैसला आने वाला था सुप्रीम कोर्ट का, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब मिस इंदिरा गांधी समझ गई थी कि सिचुएशन आउट ऑफ द कंट्रोल हो गई, सो है कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। देश में हर जगह प्रोटेस्ट चल रहे थे, देश की इकोनॉमी, अनएम्प्लॉयमेंट, बढ़ते हुए दाम और उनपे जो चलता हुआ केस, बिल्कुल पूरी चीज़ हाथों से निकलती जा रही थी। मिस गांधी ने रातों रात इमरजेंसी इशू करवा दिया जो प्रेसिडेंट थे फखरुद्दीन अली अहमद उनसे। इसके बाद छोटे बड़े नेता को पूरों को जेल में डाल दिया गया, जयप्रकाश नारायण हो या मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी या लाल कृष्ण आडवाणी, कुल मिला के 111,000 लोगों को जेल में डाल दिया गया। तब न्यूज़पेपर्स, मीडिया पब्लिकेशंस को गवर्नमेंट सेंसरशिप में ले लिया गया। जब तक गवर्नमेंट ऑफिशियल पेपर पब्लिकेशंस को चेक नहीं करे कौन से न्यूज़ पब्लिश कर रहे, जब तक कोई पेपर्स पब्लिश होने नहीं देते थे। इंडिपेंडेंट इंडिया का सबसे डार्केस्ट फेस था ये इमरजेंसी का वक्त, जहाँ पे एक सिटीजन की
डेमोक्रेटिक राइट्स को और उनकी आवाज़ को कुचला गया। इमरजेंसी लगाने के बाद में भी हालात बहुत ख़राब हो गए थे देश की इमरजेंसी एक वायलेंट लुक ले ली थी। एंड देन फाइनली 23 मार्च 1977 को इमरजेंसी ख़त्म कर दी गई मिस इंदिरा गांधी ने, और जो भी लीडर्स थे, पॉलिटिकल लीडर्स, जो भी अपोजिशन लीडर्स थे, सबको रिलीज़ कर दिया गया एंड फिर से इलेक्शन कराया गया। इसके बाद जनता पार्टी पूरी बहुमत से, पूरी मेजोरिटी से इलेक्शन विन करती है एंड मोरारजी देसाई पीएम बनते हैं। फिर उसके दो साल बाद 1979 में कांग्रेस फिर से पावर में आ जाती है। गवर्नमेंट का ये बोलना था इमरजेंसी के ऊपर कि नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट है, ये बोलकर इमरजेंसी लगाई गई थी। मगर कई लोगों का ये बोलना है कि झूठे रीजंस बता के इमरजेंसी लगाई गई थी। कई लोग ये बोलते कि पावर जाने के डर से, कुर्सी जाने के डर से मिस गांधी ने घबरा कर इमरजेंसी लगाई थी। तो ये कुछ रीजन से आप लोग के सामने, तो आप लोग का क्या बोलना है इस मिस्ट्री पे कमेंट ज़रूर करिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए आने वाले वीडियोस के लिए। तो चलिए मिलती है फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।